हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गार्डन टेल से स्वागत करती हूं आपका। दोस्तों, कुछ ऐसे चुनिंदा पौधे हैं जिनकी कटिंग आप मई जून में लगा सकते हैं। ये टाइम ऐसा है कि ये विशेष पौधे हैं जो सिर्फ के सिर्फ आप मई और जून की गर्मी में ही ये प्लांट की कटिंग आसानी से चल जाती है। और इनकी सॉइल बनाने के लिए कोकोपीट और दोस्तों मिट्टी और दोस्तों रेत की मात्रा बराबर बराबर मिलाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो वो पौधे हैं, चलिए मैं नाम बता देती हूँ। जिस तरह ये स्नेक प्लांट आप देख रहे हैं, तो ये प्लांट को आप कटिंग के थ्रू भी लगा सकते हैं। और दोस्तों, आप इसको डिवाइजन के मेथड से भी अलग अलग करके लगा सकते हैं। तो ये प्लांट से आप ये मई और जून की गर्मी में आप इनके एक से अनेक पौधे रेडी कर सकते हैं। तो ये प्लांट आप अलग अलग करके लगाएंगे। आज मैं इनको अलग अलग करके लगा रही हूँ। बस आपको याद रखना है कि ये काम आपको या तो मॉर्निंग में करना है या फिर आपको शाम को करना है, क्योंकि दोस्तों तेज़ धूप में ये काम बिल्कुल भी ना करें कटिंग लगाने का। तो ये देखिए, स्नेक प्लांट को भी आप कटिंग के और रूट डिवाइजन मेथड से अलग अलग बना सकते। जिस तरह ये एस्पैरिगस फर्न है, ये एक विशेष पौधा है जिसको आप कभी भी कटिंग के थ्रू और रूट डिवाइजन के थ्रू अलग अलग करके एक से अनेक पौधे बना सकते हैं। आज मैं इसको थोड़ा सा अलग करके आपको दिखाऊंगी कि आप इसकी कटिंग तो बिल्कुल भी ना लगाएं इस मई की गर्मी में। और डिग्री 40 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है तापमान नॉर्थ में। तो दोस्तों ये देखिए, इसको आप इस तरह से कटिंग के थ्रू अगर आप एक से अनेक पौधे बनाना चाहते हैं। ये मैंने दो प्लांट रेडी हो गए हैं। ये मेरे बल्ब, ये दोस्तों बल्ब से लगता है, तो इसको आप डिवाइजन के मेथड से ही लगा सकते हैं। इसको आप कटिंग के थ्रू कभी भी न लगाएं। तो इसको लगाने के लिए वेल ड्रेन सॉइल लें, मिट्टी में पानी डालें दोस्तों, और पानी डालने के बाद ही आप इसको लगाएं। एक जो ये पौधा मैं इसी में लगा दूंगी। तो आज मैंने एक से दो प्लांट रेडी कर लिए हैं। तो आप भी इन पौधों को कटिंग के थ्रू और रूट डिवाइजन के थ्रू लगा सकते हैं। तो एस्पैरिगस फर्न ये सदा हरा भरा रहने वाला पौधा है, तो आप इसको भी अपने गार्डन में इस मई की गर्मी में चिलचिलाती धूप में एक से दो कर सकते हैं। और एक से दो किसको भी कर इसको भी कर सकते हैं। ये है देख दोस्तों एलोवेरा, इसको भी डिवाइजन के मेथड से आप अलग अलग करके, इसके बेबी प्लांट निकलते रहते हैं नीचे से, तो आप इनके प्लांट की मिट्टी को इस तरह से अलग करें, इनके प्लांटों को अलग अलग करके, और दोस्तों एक से दो प्लांट रेडी कर सकते हैं। ये छोटा वाला है, इसको भी मैं अलग लगा दूंगी। तो इस तरह से आप एलोवेरा को अपने गार्डन में जरूर लगाएं। एचबेरिया ये एक सकुलेंट प्लांट है, जो कि इस ये दोस्तों कभी भी इसके अच्छे से ग्रोथ हो जाती है। ये देखिए, ये इसमें लीफ से भी अलग अलग बन जाते हैं। तो ये जो प्लांट है, इसको आप लीफ के थ्रू कटिंग के थ्रू कभी भी लगा सकते हैं। और दोस्तों चंपा है, चंपा को भी आप इस, ये ऐसा पौधा है, इसकी कटिंग अभी भी आप इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। पर आपको याद रखना है कि चंपा के पौधे की कटिंग को एक दिन छोड़ देंगे, फिर दूसरे दिन आप उसको लगाएं। बहुत ही सुंदर हरा भरा पौधा होता है, ये देखिए कितना सुंदर है। और इसके इतनी सारी कटिंग्स मैंने रेडी कर ली हैं। तो आप भी अपने गार्डन में चंपा के पौधे की कटिंग को, ये देखिए कोई कीड़ा है, और ये देखिए मैं हाथ से हटा रही हूँ। और दोस्तों ये देखिए, इस तरह से मैंने कितनी सारी कटिंग दोस्तों रेडी कर ली है। तो आप चंपा के पौधे की कटिंग भी मई जून के में लगा सकते हैं। और विशेष पौधा है, ये समर का ही पौधा होता है, जिसको आप अपने गार्डन में पोर्टुलका है, इसको पर्सलिन पोर्टुलका बोलते हैं दोस्तों, मॉसरोज भी बोलते हैं। बहुत सुंदर सुंदर कलर में आता है, पूरी समर में इसी के फूल गार्डन में रहेंगे अगर आप इसको कटिंग के थ्रू लगा लेंगे तो। बहुत ही इसमें इतने कलर आते हैं, आप मेरे गार्डन में भी देख सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर इसमें कलर हैं। तो आप इसको छोटी छोटी कटिंग को लगा के छाया में रख दें, और एक दिन के बाद उसको धूप में रखें, फिर अच्छे से चलेगी। ये भी पर्सलिन है, और जो उसको बहुत अच्छे से आपके पूरे गार्डन में फूलों ही फूल हो जाएंगे। तो इस तरह आप पर्सलिन को भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इतना सुंदर, इसमें भी कई कलर आते हैं, और इसमें पानी की भी बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ये है दोस्तों
दोस्तों मैरीगोल्ड, इसको गेंदा बोलते हैं। गेंदा भी दोस्तों आप कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं समर में। इसकी आपको ऊपर की टिप्स लेनी है, छोटी छोटी टिप्स है, इस तरह से टिप लेंगे और इसकी दो तीन टिप्स लगाएं। आप एक कभी भी ना लगाएं, कटिंग जब भी लगाएं ज़्यादा ही लगाएं और इस तरह से कोई वेल ड्रेन सॉयल या डिस्पोजल में सॉयल भर लें और पानी डालें और फिर इसको आप इसको लगा के इसको दोस्तों छाया में रखें। लगाने के बाद कम से कम एक वीक इसको टोटल छाया में रखें जहाँ पे ब्राइट लाइट आए, और दोस्तों ये पौधा आपका रेडी हो जाएगा और विंटर में बहुत सुंदर सुंदर से इसमें फूल आए जाएंगे। और पॉट को किसी भी पॉट में रख सकते हैं, तो आप इसको भी अपने गार्डन में कटिंग, और भी बहुत से पौधे हैं जिनको आप कटिंग से लगा सकते हैं। अभी भी ये है दोस्तों पर्पल हार्ट, इसकी कटिंग सदाबहार है, इसको आप अभी भी लगा सकते हैं। छोटी छोटी सी कटिंग लेके और आप इसको लगा सकते हैं। ये है चाइनीज बॉलवेट प्लांट, ये भी एक दोस्तों पर्पल हार्ट की ही वैरायटी में आता है। इसमें थोड़ा वाइट का शेड होता है और वो पर्पल है, बिल्कुल उसी वैरायटी का पौधा होता है। इसकी भी छोटी छोटी कटिंग आप लगा सकते हैं। जेड की भी आप कटिंग लगा सकते हैं, ऊपर की टिप तोड़नी है और आपको लगा देनी है। क्योंकि मैंने बहुत सारे प्लांट रेडी कर रखे हैं इसलिए मैं इसकी कटिंग नहीं ले रही हूँ। आपको ऊपर की टिप तोड़नी है और वेल ड्रेन सॉइल में लगा देनी है। बहुत ही सुंदर और विशेष प्लांट है ये मदर ऑफ थाउजेंड। दोस्तों इसकी कटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके नीचे से ही इतने सारे बेबी प्लांट इसके लीफ में बनते रहते हैं। तो जिसको आप अपने यहाँ पर किनारे किनारे बहुत सारे बेबी प्लांट निकलते रहते हैं और जो कि पॉट में झड़ते रहते हैं, बहुत सारे प्लांट रेडी हो जाते हैं। सिंगोनियम को भी आप लगा सकते हैं। अभी भी ये पौधा कभी भी कटिंग से ग्रो किया जा सकता है, मनी प्लांट के जैसे ही। इसमें भी दोस्तों एरियल रूट बनती है किनारे किनारे से, जिसको आप कटिंग लगा सकते हैं। छोटी छोटी कटिंग को लगाएं, ये बहुत ही सुंदर एक एयर प्योरीफाई प्लांट होता है, तो इसको कटिंग से लगा सकते हैं। पेंसिल प्लांट है, इसको भी आप कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं। ये कैक्टस की एक वैरायटी है, बहुत ही सुंदर, इसमें लीव्स नहीं होती। कैक्टस को भी आप रूट डिवाइजन के थ्रू बहुत सारे प्लांट रेडीज कर सकते हैं। स्नेक्स प्लांट को भी आप कटिंग के थ्रू या रूट डिवाइजन के मेथड से आप अलग अलग करके बना सकते हैं। और भी दिखाते हूँ, टर्टल वाइन है, इसकी भी आपको छोटी सी इतनी सी कटिंग, छोटी सी कटिंग इस तरह से तोड़नी है और इसको बस सिंपल सॉइल में इस तरह से आपको रख देनी है। और दोस्तों देखेंगे चार पांच दिन में ये मिट्टी के संपर्क में आते ही बहुत अच्छे से लग जाती है। रेन लिली लगा लीजिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर आएंगी। बारिश आते ही आपकी गार्डन में रेन लिली के फूल ही फूल होंगे। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट है जो मई और जून की गर्मी में विशेष पौधे हैं जो आप अपने गार्डन में कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं। यह है जेट्रोपा, बहुत ही सुंदर फूल।